भी किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है आप इन्हें जानते नहीं है क्या? आपके आने वाला समय में और इससे बदतर दिन आने वाला है। अरे तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े दिल वाले हैं, उदार दिल वाले हैं, इधर आ जाइए आपका प्रमोशन हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल साफ कह दिया है कि जेडीयू में टूट की जो खबरें चल रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो खटपट की बातें हो रही हैं ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ये सब कुछ नहीं है। क्या कुछ कहे थे नीतीश कुमार, जरा सुनिए, उसके बाद हम आरजेडी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है वो आपको सुनवाते हैं। किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं। तो आपने सुना इस छोटे से समय में नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कह दिया है, कहीं ना कहीं विरोधियों को करारा जवाब भी दिया है, साथ साथ एनडीए एकजुट है ये संदेश भी दिया है। इसके बाद आरजेडी के दो नेता शिवचंद्र राम और अजय यादव ने साफ साफ ये कहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्या उन्हें पता था कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी उनके साथ विधायकों को तोड़ लेगी, अपने पार्टी में शामिल करा लेगी, क्या उन्हें अंदाजा था क्या? वहीं दूसरी ओर अजय यादव कह रही हैं कि बीजेपी ही जेडीयू को तोड़ेगी, आरजेडी को लेकर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं शिवचंद्र राम और अजय यादव, जरा सुनिए। कल नीतीश कुमार ने कहा है कि टूट की बातें जो निकल के आ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब बेतुकी बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप जानते थे कि अरुणाचल प्रदेश में आपके साथ ऐसा होगा? अरुणाचल प्रदेश के इतिहास को आपने नहीं देखा है क्या? क्या ये आप जानते थे क्या कि पूरे भारतीय जनता पार्टी लोजपा को तैयार करके पूरे बिहार के चुनाव में आप जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ वहाँ चुनाव लड़ाकर आपकी शक्ति को तोड़ा है? और आप ये जानते थे क्या कि जो स्थितियाँ जो आज हो रही है आपके साथ भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है आप इन्हें जानते नहीं है क्या? आपके आने वाला समय में और इससे बदतर दिन आने वाला है, इसलिए आज भी आप समझिए और सामाजिक न्याय के साथ रह करके और अपने कारवा को आगे बढ़ाइए। जिस चीज़ को आप चाहते हैं, जो सोच को आप चाहते हैं, वो सोच तभी बढ़ेगा जब तक कि सामाजिक न्याय की ताकत आपको मिलेगा नहीं। आपके साथ अभी कुछ नहीं, बहुत कुछ होना बाकी है। नीतीश कुमार जी को खतरा राजद से कहा है, अरुणाचल में बीजेपी इनके 6 विधायकों को लेकर के अरुणाचल में तो नीतीश कुमार जी को खत्म कर दिया गया, यहाँ भी इनके जो नीतीश कुमार जी के विधायक है स्वेच्छा से राजद में मिलना चाहते हैं, अपना भविष्य इसी में तलाशना चाह रहे हैं, लेकिन खतरा इन्हें यहाँ भी बीजेपी वालों से ही है, बीजेपी वाले ही इनके विधायकों पे लगे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके सारे विधायक बीजेपी खींच ले और इसे मात्र MLC बन के जदयू का झंडा लेके घूमते रहे। अरे तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े दिल वाले हैं, उदार दिल वाले हैं, इधर आ जाइए आपका प्रमोशन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाएंगे। खतरा आरजेडी पैदा नहीं कर रही, आप स्वयं खतरा बीजेपी वाले आपको कर रहे हैं और मिट्टी में मिला रहे हैं आपको। तो आपने नीतीश कुमार की बातों को सुना है, उसके बाद आरजेडी ने इस पर क्या पलटवार किया आपने ये भी सुना है। बहरहाल आज साल का अंतिम दिन है, 2020 अब खत्म होने को है, नए साल के जश्न की तैयारियां हो रही हैं, कोरोना संकट के दौर में भी लोग थोड़ा सतर्क रहें ये लाइफ स्टाइल भी अपील कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ उथल पुथल होते हुए दिखेगा या नहीं दिखेगा इस पर भी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार ने यह कहकर कि सब कुछ ठीक है फिलहाल तो संशय को खत्म किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्टाइल को फॉलो करें। धन्यवाद।